टारगेट 95+। चलो ये हमारे क्लास का, जब भी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो ये जरूर याद दिलाएंगे सभी बच्चों को कि यही आप सबका टारगेट होना चाहिए, ये ही। चलो अब थोड़ा सा, सबसे पहले तो हम अकाउंट्स के अंदर जो है थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, और फिर सिलेबस जानने के बाद तब हम पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले जो है हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे अकाउंट्स के अंदर जो है, अकाउंट्स के अंदर जो है वो तीन बुक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारी फर्स्ट बुक है ना, उसके अंदर हमारे मेन तौर पे दो टॉपिक कवर है। अगर दो बड़े बड़े टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करूं तो दो टॉपिक इसमें कवर है। एक हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये टॉपिक कवर है, और दूसरा जो कि हमारा ये चैप्टर वन है, और इसके बाद जो है पार्टनरशिप है, और ये चैप्टर टू से लेकर के चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, इतने चैप्टर्स में पार्टनरशिप कवर। ये दो जो है टॉपिक मेन कवर है हमारी इस फर्स्ट बुक के अंदर। इसके अलावा जो सेकंड बुक है उसके अंदर ओनली हमारा कंपनी अकाउंट्स कवर है। कंपनी का अकाउंट्स कैसे बनता है वो कवर है बस ओनली। और कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो थर्ड बुक है, ठीक है, जो थर्ड बुक है उसके उस बुक के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। और ये जो है इसके अंदर थोड़ा ओवरव्यू देता हूं कि मैं इसके अंदर क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। देखो कुछ ऐसी संस्थाएं मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जो कि सोसाइटी के अंदर आपको दिखाई देंगी, और उन संस्थाओं के अंदर, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पैसा आता है और खर्चे भी लगते हैं, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिट अर्निंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। सरकार द्वारा उनको माना जाता है कि वो सोशल वेलफेयर, मतलब समाज की भलाई के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो कि प्रॉफिट कमाने के इरादे से नहीं चल रहे, वो लोग सोसाइटी के फायदे के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, कोई स्कूल हो गया, चाहे वो प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट दोनों, बेशक प्राइवेट स्कूल वाले प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ये मानती है कि ये स्कूल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। मंदिर भी लोग वहां पर जाते हैं, डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, वहां बॉक्स होते हैं उसमें पैसे डालते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन तुम ये भी देखना कि जब कोई मंदिर है उस मंदिर के अंदर कुछ पुजारी नौकरी करते हैं, कुछ सफाई कर्मचारी नौकरी करते हैं, खर्चे भी लगते हैं, तो पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव यही पैसा कमाना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई यहां पर पूजा करने आएगा तो उसको पैसा देना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग अपनी मर्जी से लोग डोनेशन वहां देते हैं, जिसको देना है या नहीं देना है जो भी है। बट मैं ये कहूंगा कि ऐसी संस्थाएं, अब आपको एक डाउट होगा
कि स्कूल वाले तो सर फीस लेते हैं, प्राइवेट स्कूल तो जरूर लेते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले पैसे लेते हैं, लेकिन वो इस इरादे से पैसे नहीं लेते कि भाई मेरे को तो कमाना है, ऐसा सरकार मानती है, बेशक वो स्कूल वाले कुछ भी सोचे। स्कूल वाले पैसे लेते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि हम स्कूल, जो ये सोशल वेलफेयर का जो चीज़ है, इसको हम रूटीन में चला सकें और इसके खर्चे हमारे पास आ जाए, जो खर्चा लग रहा है बस इसलिए वो लेते हैं। पर आप इस तरह से ये नहीं कहना कि उनका तो ऑब्जेक्टिव ही कमाना है। नो डाउट कुछ स्कूल कमाते भी हैं, ठीक है। अब भाई मंदिर में कहीं से दान किसी ने दे ही दिया 50 लाख रुपए, तो क्या मंदिर वाले वापस कर देंगे? नहीं, पैसा तो आ ही गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी पैसे के लिए वो मर नहीं रहे थे, ठीक है। या यूं कह लो कि वो पैसा लेना ही उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट द्वारा इन संस्थाओं को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई क्रिकेट का क्लब हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, ठीक है, चर्च हो, ठीक। तो इन सब संस्थाओं को हम इसी कैटेगरी में मानते हैं, और ऐसी संस्थाएं होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया भी है, पैसा गया भी है, पैसा आया भी है, पैसा गया भी है। तो फिर ये सोचो कि जब इनके पास पैसा आया है तो उसका हिसाब तो लिखेंगे ही, और पैसा लगा भी है तो हिसाब उसका भी लिखेंगे। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, हम इसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। दूसरी बात, पार्टनरशिप। हमने 11th क्लास से पढ़ा था, कोई पर्सन है, अपना कोई बिजनेस चला रहा है, वो सेल परचेज कर रहा है, पूरे साल ऐसा करने के बाद कुछ खर्चे भी लगा रहा है, लास्ट में वो क्या करता है, एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, एक अपना बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट ये अपने असेट्स और लायबिलिटीज, इनको ये शो करता है, लायबिलिटीज और असेट्स इन सबको वो शो करता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट लॉस में वो जानता है कि उसे कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, ये नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो हमने एक बिजनेस का तरीका देखा था जिसमें वो हिसाब करके प्रॉफिट निकालता है, अपनी बैलेंस शीट बनाता है, ये था कोई एक पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है, सेल परचेज कर रहा है, तो उसको लास्ट में क्या कमाई हुई ये सारा हिसाब, और क्या असेट लायबिलिटी है उसका हिसाब ये बनाया। लेकिन आज अगर हम 12th क्लास में आ चुके हैं और अब हम ये बात करने वाले हैं, ये जो बिजनेस है जिसमें ये फायदा हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, आज वो बिजनेस चलाने वाले दो मालिक होंगे, उस बिजनेस को चलाने वाले दो मालिक या उससे भी ज्यादा और मालिक हो सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा। तो सवाल ये उठता है, ऐसा बिजनेस कमा तो लेगा, ठीक है, लेकिन ये कमाई कौन लेगा, कितना लेगा, कैसे कैसे लेगा, ये हिसाब तो हमने 11th में नहीं सीखा था। सेल परचेज ट्रेडिंग तो सीख लिया था, चाहे वो एक बंदे का बिजनेस हो, चाहे वो कई लोग मिलकर बिजनेस चला रहे, वो हिसाब कैसे होना है। लेकिन ये जो कमाई है, ये अगर एक आदमी का था तो हमें याद होगा कि हम कैपिटल में प्रॉफिट को जाकर जोड़ देते, लेकिन अब ये समझो कि ये पहले तो एक पर्सन की कैपिटल थी ना, अब तो कई सारे मालिक हैं, अब किसकी कैपिटल में जाके जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, और क्या कोई हिसाब किताब कैसे होगा। तो ये जो 12th क्लास है, हमें इस प्रॉफिट से आगे का हिसाब सीखना है, इस प्रॉफिट से आगे का हिसाब, कि ये प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना के, ये मालिक को कैसे मिलेगा, मालिक का उसके प्रॉफिट बांटने के बाद आगे क्या क्या हिसाब बनता है, वो सारी चीजें, अलग अलग मालिकों में कैसे हिसाब होता है, वो सब हमें सारी चीजें सीखनी है। और इसके अलावा हमें से बहुत सारे टॉपिक सीखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि सभी मालिकों में प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया, उसका हिसाब कैसे करते हैं। दूसरी बात, कल को हम तीन मालिक हैं,
और एक मालिक और हमारे पास आकर के एडमिशन लेता है हमारे बिजनेस के अंदर, चार मालिक अब हो जाते हैं, तो कल को अब चार मालिक में प्रॉफिट का हिसाब कैसे होगा? और चौथे मालिक को जब हम बुलाएंगे, मतलब चौथा पर्सन आके हमारे यहाँ पार्टनरशिप में एडमिशन लेगा, तो उसके एडमिशन के टाइम पे वो कुछ पैसे भी लेके आएगा अपने घर से और कुछ हिसाब किताब भी लेके आएगा, तो वो भी पैसों का हिसाब कैसे किया जाएगा बिजनेस, तो एडमिशन कैसे होगा वो सीखेंगे, रिटायरमेंट कैसे होगा किसी पार्टनर का जो छोड़कर जाएगा बिजनेस को उसको कैसे लिखेंगे, किसी पार्टनर का डेथ हो गया वो कैसे हिसाब करेंगे, ठीक है, कल को हम अपना पार्टनरशिप का बिजनेस बेच रहे हैं तो कैसे हिसाब होगा, ये सारी चीजें हम पार्टनरशिप के इन सभी चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है। और अगेन मैं बताता हूं कि ये चैप्टर जो है 3, 4, 5 और 6 बेटा ये आपस में लिंक है दूसरे से। हाँ, दूसरा चैप्टर बिल्कुल थोड़ा अलग है इन सबसे, लेकिन ये आपस में लिंक है, इनके कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अंदर यूज होते रहेंगे, ठीक है। चलो अब और सुनो, और ये जो सातवां चैप्टर है ये फिर से थोड़ा सा अलग चैप्टर है, ठीक है, ओके। चलो तो हमने बताया एनपीओ सीखेंगे, पार्टनरशिप सीखेंगे, कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी जहां पर बहुत सारे लोग मिल करके कोई बिजनेस चला रहे हैं और उसका हिसाब किताब करना है कैसे होगा, ये हमें कंपनी के बारे में सीखना है। चैप्टर 1 ये हो गया, चैप्टर 2 से 7 तक ये हो गया, चैप्टर 8, 9 और 10 ये है, ठीक है, और ये तब जाकर के हमारे अकाउंटिंग का पूरा पार्ट खत्म होता है, और इसके बाद ये इस बुक के अंदर टोटल 5 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम बोलूं कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थ्योरी टाइप के चैप्टर है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थ्योरी टाइप के चैप्टर है, और लास्ट के 3 चैप्टर जो है ये एक तरह से न्यूमेरिकल चैप्टर है, ठीक है, ये लास्ट के 3 चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो जब हम सीखेंगे तब उसे करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है। पार्टनरशिप हमारे बुक का चैप्टर 2 है इस फर्स्ट बुक का, ठीक है। चलो पार्टनरशिप, तो अब आप पेन और कॉपी निकाल लो बच्चों, और आप सबसे रिक्वेस्ट है हर चीज नोट करना, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आएगा, और कॉपी संभाल के रखना, ठीक है, संभाल के रखना। पार्टनरशिप का चैप्टर टू इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मीनिंग क्या हुआ, पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक बातें कि क्या होती है पार्टनरशिप और कैसे जो है इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह का हिसाब किताब किया जाता है या नहीं। चलो तो ये चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, ठीक है, तो लिखो जी डेफिनेशन। चलो साथ साथ लिखेंगे, मैं बोलता हूं, पार्टनरशिप इज एन रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए लीगल बिजनेस।
अभी समझाऊंगा, ये एक वर्ड समझाऊंगा बच्चों, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऑफ ए लीगल बिजनेस विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन, एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फुल स्टॉप। ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो सभी लोग बताते हैं, ठीक है, पर आप इस वर्ड को काट लो। मैंने जानबूझकर इसको लिखा है और फिर काटा है, थोड़ा याद रहे, ठीक है, याद रखने के लिए। सब लोग ऐसा ही बताते हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा इसे काट लो, और काट करके, और जो है जो लोग गलत बताते हैं उन गलतियों को समझो, और मैं और सही लोग बुक में देखो या कहीं पर भी देखो, वहां ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं लिखा होगा, ठीक है, वहां पर केवल एग्रीमेंट लिखा होगा। चलो अब मैं समझाऊंगा कि रिटर्न वर्ड लिख के सही नहीं होगा, ओनली एग्रीमेंट होगा। अब ध्यान देते हैं, चलो चलो जी, अब ध्यान दो। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? भाई मैंने और आपने मिल करके कुछ तय किया कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो बस हो गया एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? मैं और तुम किसी बात पर एग्री हैं, तय कर लिया हमने ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, तो वही हो गया हमारे और तुम्हारे बीच का एग्रीमेंट, या अनुबंध कहते हैं इसे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। चलो तो अब मैं सबसे पहले तो एग्रीमेंट से समझाता हूं, इस वर्ड को हाईलाइट करते हैं, इस वर्ड को हाईलाइट करते हैं, और एग्रीमेंट, चलो एग्रीमेंट बच्चों रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि ओनली रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। यानी मैं आपसे बोल करके बात तय कर लूं, भाई मुझे आप पे विश्वास है, बोली गई बात पे मुझे विश्वास है, आपको भी मेरे पे विश्वास है, कोई बात नहीं, हमने तय कर लिया बोल करके ही, क्या कोई जरूरत नहीं है लिख करके तय करना। हाँ, लिख के भी तय कर सकते हैं और बोल करके भी तय कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो बोल कर भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है। तो अगर किसी ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिख कर बनाया और उसे बाद में रजिस्टर्ड करवा लिया, तो रिटर्न प्लस रजिस्टर अगर दोनों काम हो जाए, तो ऐसे पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। याद रखना, पार्टनरशिप डीड होने की क्या कंडीशन है? वो रिटर्न में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। ओरल वाला पार्टनरशिप अगर बनाओगे ओरल से बोल करके, तो उसको आप पार्टनरशिप डीड नहीं बोल सकते, ठीक है, रिटर्न में होनी जरूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि एग्रीमेंट ओनली रिटर्न नहीं होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, बट रिटर्न और रजिस्टर दोनों हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप डीड भी कहा जा सकता है, ठीक है उसको। तो अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं ये कि पार्टनरशिप के अंदर जो आगे की डेफिनेशन है उसको देखते हैं। पार्टनरशिप के अंदर आगे क्या कहा गया है वो देखो। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन,
पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों का मिल दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है, अगर मैं इस पर्सन को हाईलाइट करूं, इस पर्सन को, तो देखो पहले तो हमने एग्रीमेंट के बारे में समझ लिया, एग्रीमेंट दोनों टाइप का हो सकता है, ओनली रिटर्न गलत हो जाएगा। हाँ, अब पर्सन के बारे में समझते हैं। तो आप अब समझो पर्सन, पर्सन कैसा होगा, पर्सन। तो देखो पर्सन के बारे में बताऊं कि मिनिमम कितने पर्सन होंगे। तो देखो बच्चों मिनिमम टू पर्सन होने जरूरी है, ठीक है, मिनिमम टू पर्सन होने जरूरी है। बेटा अकेला इंसान किसी के साथ पार्टनरशिप थोड़ी बना सकता है, जब तक दो या उससे ज्यादा लोग ना हो तब तक कैसे पार्टनरशिप बन सकती है। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो बंदे तो होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं 50, मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं 50, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 50। अब हम एक बात करते हैं थोड़ी सी और ये बात लिखा कहां है कि 50 पर्सन हो सकते हैं, तो ये भी बात सुन लो, ये लिखा है कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है ये बात, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी का कानून 2013 में जो बना था उसमें लिखा गया है कि कोई भी संस्था चला रहा हो पर्सन तो उसके अंदर 50 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर है तो फिर उसे कंपनी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब आप पार्टनरशिप बना सकते हो लेकिन 50 से ज्यादा लोगों की नहीं बना सकते। हाँ, उसी एक्ट के अंदर एक बात और लिखी है, वो भी सुन लो कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू इंक्रीज द मेंबर, जो मेंबर है, जो 50 की लिमिटेशन लगाई गई है इस कानून द्वारा, याद रखना इस कानून ने लिमिट, ये लिमिट तय की है इस कानून में, लेकिन यही कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, यही कानून क्या पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंक्रीज कर सकती है, उसके पास ये पावर है इस नंबर को कहां तक, अप टू 100 तक इंक्रीज कर सकती है। इसका मतलब अभी तो प्रेजेंट में ये 50 है, पर नो डाउट और कभी फ्यूचर में कुछ चेंजेस होगा तो शायद ये आगे बढ़ भी सकता है, बट प्रेजेंटली क्या है ये 50 ही फिक्स किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसे बढ़ा भी सकती है, ठीक है, बट 100 से ज्यादा नहीं ले जा सकती, अप टू 100 मतलब 100 तक ला सकती है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बात पूछता हूँ कि पार्टनरशिप के अंदर 50 लोग हो सकते हैं, ऐसी बात किसने उसके ऊपर बंदिश लगाई है या पाबंदी लगाई है, तो ये बात पार्टनरशिप पर किसने बंदिश लगाई है या पाबंदी लगाई है, किस पे रोक लगाई है, ये कंपनी के कानून 2013 ने। तो मिनिमम पर्सन 2, मैक्सिमम पर्सन 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हमने दो बातें समझ ली कि एग्रीमेंट कैसा हो सकता है वो समझ में आ गया, ठीक है, और पर्सन कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 चाहिए थे या मोर भी हो सकते हैं, मोर कितने हो सकते हैं 50, अभी प्रेजेंट 50, ओके आगे समझते हैं। और ये अब फिर से हम पूरी डेफिनेशन को समझते हैं ताकि हमें डेफिनेशन मिलती जुलती पूरी लाइन में समझ जाए। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, मतलब आपस में तय किया गया कोई बात है, ठीक है, कंडीशन है, क्या तय कर रखा, बिटवीन टू और मोर पर्सन ने मिलकर तय किया है, यानी कोई भी ऐसी बात जो दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर तय करी है वो एग्रीमेंट, वो बात पार्टनरशिप है। लेकिन वो बात किस बात के लिए होनी चाहिए, फॉर, वो एग्रीमेंट होना चाहिए फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांटने के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट बांटने के लिए, फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट।
इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। अब इस प्रॉफिट को हाईलाइट करो, क्योंकि आपको डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स डालने ही पड़ेंगे। ये कीवर्ड्स आप डेफिनेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, पर एग्रीमेंट की बात, ठीक है, पर्सन की बात ऐसे, और प्रॉफिट की बात, ये आप एग्रीमेंट में जब तक नहीं डालोगे, मतलब डेफिनेशन के अंदर, तो ये सारी चीजें डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ओके, अब चलो मैं बात करता हूं प्रॉफिट के बारे में। तो देखो प्रॉफिट के बारे में क्या कहता है, ये कहता है प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, ये मस्ट बी पर हाईलाइट करो, और आगे क्या रूल रहा वो भी समझो। प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। थ्योरी में आपको यही सब बातें जो पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, लॉस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो जी, मे बी का मीनिंग क्या होता है और मस्ट बी का क्या होता है। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप कर रहा है किसी के साथ भी, तो उस एग्रीमेंट में जो वो लोग बनाएंगे उसके अंदर ये कंडीशन जरूर लिखी होनी चाहिए कि भाई आप लोग प्रॉफिट आपस में बांटना जरूर है, चाहे थोड़ा भी बांटो। जैसे ये कि ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, और इसने तय किया कि मैं प्रॉफिट लूंगा 80% और तुम लोगे 20%। ओके, चलेगा प्रॉफिट, चलेगा। अगर ये लिखा कि ये लेगा 50%, ये लेगा प्रॉफिट 50%, ये भी चलेगा। अगर ये लिखा कि ये लेगा 1%, ये लेगा 99%, ये भी चलेगा, ठीक है। प्रॉफिट ये लिख दिया कि ये लेगा 0% और ये लेगा 100%, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसी कोई बात लिख दी पार्टनरशिप के अंदर कि तुमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा, ठीक है, एक बंदे को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, तो ऐसा एग्रीमेंट ही बेकार है, और वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा ही नहीं। लेकिन अगर यही बात मैं लॉस के लिए समझाऊं, लॉस के लिए, तो देखो लॉस के लिए रूल ये है कि लॉस ये ले 10%, ये ले 90%, चलेगा। ये ले लॉस 0%, ये ले 100%, चलेगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस का रूल ये है कि आपको अगर तय कर लोगे तो फिर बांट लेना। अगर तय कर लिया कि केवल एक जना लॉस लेगा तो एक ही लेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और ऐसा तय कर सकते हैं, ऐसा तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप वैलिड है, मतलब उसको पूरी की पूरी उसमें वैल्यू है उसकी, और उस पार्टनरशिप के अंदर कल को कोई कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो लॉस बांटना है, ठीक है, बांटो, जितना बांटना है वैसे बांटो, नहीं बांटना है तो एक को भी दे सकते हो लॉस, और ऐसा आपस में मिल करके तय कर सकते हैं। कुछ आपके मन में डाउट आए कि सर लॉस एक क्यों ले रहा है, लॉस एक क्यों ले रहा है, प्रॉफिट की कह रहा है कि सबको मिलना है लेकिन लॉस एक क्यों ले रहा है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा बहुत होता है जो जहाँ पर लॉस केवल एक जना भी ले करके और मान जाता है कि मैं ले लूंगा लॉस सारा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैंने एक हॉस्पिटल ओपन किया, ठीक है, कोई हॉस्पिटल बड़ा सा मैंने खोला, बहुत पैसे लगाए मैंने उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपको पता है हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं चलता, चलता है डॉक्टर से। उसके अंदर अच्छे और पॉपुलर डॉक्टर होंगे जिनका जो कि कस्टमर
में पॉपुलर हो, या यूं कह लो कि जिनके पास पेशेंट बहुत आते हो, ऐसे डॉक्टर्स जब मेरे हॉस्पिटल में होंगे तब मेरा हॉस्पिटल चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैं किसी नामी गिरामी डॉक्टर के पास गया। अब उसका क्लिनिक था छोटा सा, अच्छा कमाता था। मैंने उससे जाके बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ अपनी क्लिनिक चलाते हो, आपके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, कुछ भी आपके पास कोई जो है फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी आप टेस्ट है वो नहीं कर पाते हो, आप सब खाली दवाइयाँ लिखते हो और ये करते हो, ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आप ना ये जो आप क्लिनिक यहाँ चला रहे हो, दो बिल्डिंग दो, 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 दो थोड़ी सी दूर मेरा हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे अपने पेशेंट को बुला लो। और आपको पता है आपके पेशेंट आप पे विश्वास करते हैं, तो आप जहाँ जाओगे पेशेंट इलाज कराने आपसे जाएंगे, ठीक है, और वहीं आएंगे। तो उसने कहा कि भाई अच्छा मैं ऐसा क्यों करूं। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, आपका जो इलाज करते हो उसमें जो आप कमाते हो वो तो आप कमाओगे कमाओगे, प्लस हमारे हॉस्पिटल में वो तो हम आपको कमाई आपको तो होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आप हमारे हॉस्पिटल में बैठोगे तो ये सोचो कि आप जो टेस्ट लिखते हो, एक्सरे करवाते हो, ठीक है, वो सब आप हमारे यहीं अब सब हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट आएगा तो पहले केवल आपको 500 की फीस देता था, और अब वो दुनिया भर की चीजें हमारे हॉस्पिटल में करवाएगा तो आके वो 1500 रुपये दे जाएगा, और 1500 दे के जाएगा तो समझो प्रॉफिट तो हुआ ना। और प्रॉफिट हुआ तो डॉक्टर साहब आपको भी मिलेगा प्रॉफिट, क्या दिक्कत है। और डॉक्टर कहता है कि अगर मान लो लॉस हो गया तो खर्चे ज्यादा हो गए और कमाई नहीं हुई तो मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप टेंशन क्यों लेते हो, अगर हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से लॉस हो गया तो आपको तो जितना आप कमाते हो उतना तो आपको, जितना अभी यहाँ कमाते हो यहाँ पे उतना तो हम आपको पक्का देंगे, अलग से देंगे, और लॉस हुआ तो सारा हम उस लॉस की जिम्मेवारी उठाएंगे, ठीक है, आपको एक रुपया भी लॉस नहीं लेने देंगे। अब बताओ डॉक्टर के दोनों हाथ में लड्डू है, डॉक्टर के दोनों हाथ में लड्डू है, जितना यहाँ कमाता था उतना तो वहां उसे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कमाई हो गई तो और भी मिलेगा, और भी मिलेगा, और नहीं हुई तो भी कोई टेंशन नहीं। यानी हॉस्पिटल वालों का हॉस्पिटल अच्छा चला, उधर से भी कुछ प्रॉफिट हुआ तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई, तो जरूर आप कमेंट में लिखें कि आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा हो सकता है, लॉस के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के लिए रूल है कि प्रॉफिट जरूर बांटना है, ओके। अच्छा, किसी ने तय किया एग्रीमेंट के अंदर तय किया कि प्रॉफिट बटेगा 50-50, 50% 50%, ऐसे तय कर लिया, ठीक है, और लॉस के लिए कुछ तय ही नहीं किया तो फिर क्या रूल लगेगा। तो रूल ये लगेगा कि अगर लॉस के लिए अलग से कुछ तय नहीं किया तो जिस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा उसी हिसाब से लॉस बटेगा, या तो अलग से तय कर लो कुछ, और तय नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हिसाब से बांटे जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। यानी लॉस अगर नहीं बांटना है या एक ही जना लेगा तो ऐसी बात पहले से तय करके रखोगे तो बात चलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में इस बात को बताएं, ठीक है। तीन बातों को मैंने समझाया, अब मैं फिर से पूरी चीज को रीड करता हूं। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, ओके, अच्छी बात है, यानी तय की गई एक बात है जो दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में मिलकर तय किया है। फॉर किस बात के लिए, फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट बांटने की बात तय करी है, ठीक है। यहां यह नहीं लिखा है कि लॉस बांटने की बात तय की हो, लॉस तो मर्जी है, बांटो या फिर ना बांटो, डेफिनेशन में भी केवल प्रॉफिट वर्ड है, ठीक है, प्रॉफिट ही रहेगा, लॉस तो मर्जी की बात है, बांटो चाहे ना बांटो, ठीक है, ओके। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए लीगल बिजनेस, अब ये वर्ड क्या है लीगल बिजनेस, देखो बच्चों लीगल बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जो कानून द्वारा अलाउड हो, मान्यता प्राप्त हो, जिसकी कानून में गलत काम ना माना गया हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने और तुमने मिल करके ये तय किया
कि भाई हम ना ये कुछ सामान स्मगलिंग करेंगे और जितनी भी कमाई होगी वो हम मिल बांट करके और बांट लेंगे। तो देखो इस स्मगलिंग के या कोई भी गलत काम करके हम कोई प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने कहा कि भाई इसमें जो कमाई होगी हम बांट लेंगे आपस में, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ऐसा तय कर लिया। तो रूल सुनो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल है, और एग्रीमेंट भी तय कर लिया, चाहे बोलकर चाहे लिखकर, इससे फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट भी बना लिया किस बात के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए, लेकिन वो यहां फंस गए। क्या फंस गए, उन्होंने जिस प्रॉफिट को बांटने की बात करी है वो प्रॉफिट एक गैर कानूनी या इलीगल बिजनेस से है। ठीक है, लीगल बिजनेस का प्रॉफिट तो बांट सकते हो, इलीगल बिजनेस में अगर कुछ इस तरह की एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा। ठीक है, वो तो बल्कि सरकार को पता चलते ही सरकार आपको जेल में और डाल देगी, समझ गए, प्रॉफिट दिलवाने की तो दूर की बात है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इलीगल एक्टिविटी के लिए बेशक लोगों ने आपस में तय भी कर लिया हो, ठीक है, तय भी कर लिया हो कि हम प्रॉफिट बांटेंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। इसका मतलब बिजनेस जो है उसके बारे में हमने क्या जाना कि बिजनेस जो है हमारा लीगल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस लीगल होना चाहिए, लीगल मतलब कानून द्वारा अलाउड होना चाहिए या मान्यता प्राप्त होना चाहिए, एक तरह से आप बोलो तो कानून में उसको सही माना गया हो उस बिजनेस को। ठीक है, ओके, लीगल बिजनेस होना चाहिए, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लीगल बिजनेस विच इज कैरीड बाई ऑल, और ये बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैरीड का मतलब उसको चलाना, उसको कैरी करना, चलाना, ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि चलाया जाए। ठीक है, ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि चलाया जाए, ऑल यानी सबने मिलकर चलाया हो उसे, सबने मिलकर या एनी वन ऑफ देम, यानी कैरीड बाई ऑल, सारे मिलकर इस बिजनेस को चलाएं, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, सारे मिलकर उसको चलाएं या फिर एनी वन ऑफ देम या उनमें से कोई एक जना भी मिल करके और उस बिजनेस को चलाता हूं। जैसे मैं समझाता हूं, एक जना भी चला सकता है, जैसे देखो अगर मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं तो ये बिजनेस में तीनों आ करके और कुछ ना कुछ काम करते हैं डेली, ओके चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी ने बिजनेस में केवल पैसा लगा दिया है, ठीक है, पैसा लगा दिया है और उन्होंने सी को यहाँ बिठा दिया कि देख भाई हम आकर तेरे से हिसाब पूछ लिया करेंगे, दिन भर तू यहाँ पे हिसाब किताब चलाता रहे, काम करता रहे, परचेज सेल का हिसाब देखता रहे, ठीक है, तुम्हें मतलब सी सारा काम करेगा, ठीक है, और जो है ये केवल पैसा लगा के थोड़ा सा और उसके बाद अपने घर पे या जो भी है कुछ और काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम ऐसे बोलेंगे कि सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, सी जो है वो वर्किंग पार्टनर है और बाकी सारे जो ये है स्लीपिंग पार्टनर, यानी जो काम करने वाला है वो वर्किंग पार्टनर हो गया और यहाँ स्लीपिंग पार्टनर हो गए। वर्किंग पार्टनर तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि तीन जनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है तो तीनों उस बिजनेस में डेली डेली आए और चलाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, नोट हो गया होगा आप लोग का, अगर कुछ नोट छूट जाता है तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, अब देखो मैं फिर से इस डेफिनेशन को अब कंप्लीट करता हूं। देखो ध्यान से, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर के कोई एग्रीमेंट तय किया है, ठीक है, बात तय किया है किस बात के लिए, फॉर प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए, और वो प्रॉफिट किसका होना चाहिए, ऑफ एक वो प्रॉफिट होना चाहिए एक लीगल बिजनेस, यानी जो बिजनेस अच्छा हो, जो बिजनेस कानून द्वारा एक तरह से अलाउड हो करना उसे, ठीक है, वो बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। और ये बिजनेस के बारे में एक और बात, विच इज यानी ये बिजनेस जो है कैरी किया जाएगा ऑल यानी चलाएंगे सारे मिलकर या फिर
कैरिड बाई ऑल, सारे चलाएंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। बिहाफ ऑफ ऑल का मतलब हो गया सबकी तरफ से एक जना आके सारा काम करेगा, ठीक है, सबके कहने पर एक या कोई दो जना भी आकर के उसको कर सकता है काम को, ठीक है, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो ये फाइनली हो गई हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखो समझ आ गया होगा, अब मैं बात करता हूं पार्टनरशिप के बारे में। तो देखो छोटी सी बात, मान लो मैंने और तुमने पार्टनरशिप बना ली, ठीक है, और ये सुनो, पार्टनरशिप बना ली और हमने तय किया कि आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, बिजनेस चलाया पूरा मेहनत करके, लास्ट में जब कमाई हुई ना, ठीक है, जब कमाई हुई तो तुमने मुझे केवल 10% दिया और 90% खुद रख लिया और बोला बस इतना ही मिलेगा, तो सवाल ही उठता, झगड़ा होगा, क्योंकि तय क्या किया था हमने भाई, शुरुआत में तय किया था आधा डालेंगे, ठीक है, और अब क्या कह रहे हो, अब कह रहे हो कि एक जना 90% लेगा, दूसरा 10% लेगा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। तो अब सोचो अगर मेरे को 10% दे रहे हो तो मेरे को तो गुस्सा तो आएगा, और साथ के साथ ये भी बोलता हूँ, ठीक है, वैसे भी गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन लेकिन ये सोचो कि जब मेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा तो मैं उसका कंप्लेन करूंगा कोर्ट में जाकर के, कोर्ट में जाके कंप्लेन करूंगा कि भाई इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, बोला था ऐसे, कर दिया ऐसे, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो मेरी बात की सुनवाई करेगा, कोर्ट जो है वो मेरी बात की सुनवाई करेगा, और उस बात की जो सुनवाई है वो किसी कानून में लिखे गए कंडीशन के अकॉर्डिंग सुनवाई करेगा। तो सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनरों के बीच झगड़ा हो जाए या पार्टनरशिप के बिजनेस में किसी भी तरीके का झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े की सुनवाई कैसे होगी कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए एक कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932, अंग्रेजों के जमाने का ये कानून है। मतलब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई थी तो वही लोग अपने देश से इस जो उनके पास पहले से ये कानून बना हुआ था उसी कानून को इंडिया में लाके अप्लाई कर दिया था कि किस भी कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस हो उसके झगड़े की सुनवाई करनी हो तो इस कानून में लिखे गए बातों के अनुसार जो कंडीशन लिखी हुई है उन्हीं कंडीशन के अनुसार जज फैसला देगा। जो बातें लिखी होंगी वो बात जज बताएगा और उसके अकॉर्डिंग जिसके फेवर में या फिर जिसके अगेंस्ट में, यानी किसी का किसी की हाँ या किसी की ना को बात को जज मानेगा, ठीक है, ओके। ये कानून के अकॉर्डिंग याद रखना, जज जब भी होता है वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं देता है, उसको उसको जो कोई कानून है उस कानून में लिखी गई बातों के हिसाब से ही फैसला देना होता है। तो अगेन मैं बोलूं कि पार्टनरशिप की कोई भी बात का झगड़ा होगा तो इस कानून में लिखे गए कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन सुनाया जाए। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप का एक्ट 1932, ठीक है, अब थोड़ी सी और बात, पार्टनरशिप के कानून में क्या क्या लिखा है तो समझो। सबसे पहले तो मैं अब एक बात करता हूं, पहले तो समझा दूं पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में ऐसे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ मेन बातें पढ़नी है क्योंकि ये आगे के सिलेबस में है, ये कानून पूरा आपको आगे के सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, आगे जब आप 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें केवल यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारे से रिलेटेड है मैं उतने ही पार्ट को डिस्कस करके चलूंगा, ठीक है, जो हमारे को जानना है और हमारे इस टॉपिक में यूज होगा। तो देखो जी, पार्टनरशिप डीड कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर से बता दूं, अगर कोई एग्रीमेंट बनाया
अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जो कि रिटर्न में हो और प्लस वो रजिस्टर्ड हो, रिटर्न में हो और रजिस्टर्ड हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, अरे भाई मैंने और तुमने मिलकर किसी पेपर पे कुछ लिख कर तय कर लिया और उसको जाके रजिस्टर्ड करवा लिया। सर रजिस्टर्ड का मतलब तो बताओ। बेटा मैं बताता हूं, एक रजिस्ट्रार होता है, आपके जानने के लिए बात बताऊं तो एक सरकारी ऑफिस होता है, गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में एक पर्सन होता है जो रजिस्ट्रार कहा जाता है, रजिस्ट्रार, ठीक है। उस रजिस्ट्रार के पास जैसे मैंने और आपने मिलकर पार्टनरशिप बनाया है, तो हम जा करके उस रजिस्ट्रार के पास अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हमने तय किया है वो सारा उसको दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि आज से हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमें इस बिजनेस में हम दो लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, हम दो लोग मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे, ऐसा हमने उसको उसके साथ तय कर लिया, ठीक है, ये बता दिया। तो अब क्या होगा कि जब हमने ऐसा तय कर लिया, ठीक है, तो सुनो, वो रजिस्ट्रार जब हम बताएंगे उसको कि हमने ऐसा तय किया है, तो रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है, और उस रजिस्टर के अंदर वो हमारी फॉर्म का जो हमारी बिजनेस है उसका नाम लिख लेगा और हमारे पार्टनरों का नाम भी लिख लेगा और उसके बाद वो एक अपनी तरफ से सर्टिफिकेट बना के देगा कि इनका बिजनेस कानून की नजरों में आज से मान्यता प्राप्त हो गया और अब हम कानूनी तौर से सरकार की नजर में आ चुके हैं और अब हमारा बिजनेस जो है जो भी कमाएगा कुछ करेगा उसका हिसाब सरकार के पास भी जाएगा, ठीक है, और वो हमें टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा, ठीक। तो सरकार को, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा बिजनेस तो सरकार को सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पता चलती रहेगी, इसलिए सरकार उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है कि सभी लोग बिजनेस रजिस्टर करवा के और तब चलाएं। इससे फर्क ये पड़ता है कि सरकार को भी कुछ कमाई हो जाएगी और जब तक रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे उस एग्रीमेंट को, तो उस एग्रीमेंट की कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी। ये भी सुन लो, ये भी समझ लो कि कोर्ट में कुछ ऐसा कोई एग्रीमेंट लेके चले जाओ जिसमें तुमने मैंने तय किया है और कुछ भी बात तय किया हो लेकिन वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, तो याद रखना कोर्ट उस एग्रीमेंट में लिखी गई किसी भी बात को पूरा नहीं करवाएगा, ठीक है, और वो कैंसिल करवा देगा और अगेन बाद में जाके बोलेगा दोबारा रजिस्टर करा के लाओ फिर बात करना, तो इसका मतलब सरकार को कुछ फीस मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलो तो रजिस्टर्ड समझ में आ गया। रजिस्टर्ड क्या होता है, शॉर्ट बताओ, एक गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जहां पर एक गवर्नमेंट का पर्सन बैठा होता है, उसके पास हमें जाके अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हमें अपने पार्टनरों का सारा डिटेल देना होता है, पूरा रिटर्न जो हमने तय किया था वो सारी बातें बता के, तब वो हमारे को एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि इनका बिजनेस कानूनी तौर पर आज से अलाउड है, ठीक है, और ये कानून की नजर में ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड। अब सुनो, पार्टनरशिप डीड बस कुछ नहीं है, वही पेपर जिस पे हमने लिखा था, तो सवाल उठता है उसमें लिखा क्या होगा। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो देखो उसके अंदर लिखा जाता है नेम ऑफ फर्म। सर ये फर्म क्या है, बेटा वही बिजनेस को ही हम फर्म बोलते हैं, ठीक है, वही बिजनेस का नाम, ठीक है, या नेम ऑफ फर्म कुछ भी कह सकते हो। चलो नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर, कैपिटल जानते हो ना, मालिक जो पैसा लगाता है, कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ठीक है, उसका क्या रेशियो होगा, वो कैसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटना है, सैलरी
टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या सैलरी मिलेगी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये सब बातें। कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा कैसे कैसे मिलेगा, वो सब चीजें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों थोड़ी सी राइटिंग खराब है पर अब कुछ नहीं हो सकता इतने समय बाद, क्योंकि ये सब बचपन में होता है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए साथ साथ बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप सबसे मैं सॉरी बोलूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा अगर समझ नहीं आ रहा है तो, बट फिर भी मैं आपसे आशा करूँगा कि आप बोली गई बात को जरूर ध्यान से सुन करके और लिख लें, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल जानते हो क्या होता है, एक बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू, एक बिजनेस का जो मार्केट में कितना पॉपुलैरिटी है, पॉपुलर कितना है, उस चीज की कीमत निकाली जा सकती है, ठीक है। और वो कैसे निकाली जाती है वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो वैसे ये इतनी बातें आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, इतनी बातें जरूर याद रखेंगे कम से कम। ओके, अब सुनो जी, पार्टनरशिप डीड के बारे में फिर से रिव्यू करता हूं। पार्टनरशिप डीड क्या था, पार्टनरशिप डीड दो या दो से ज्यादा लोगों ने जो मिलकर आपस में तय किया ना, तो उसको ही उन्होंने एक पेपर पे लिख लिया और लिख करके जाके रजिस्टर करवा लिया, तो आखिर उस पेपर पे लिखा क्या है वही सारी बातें पार्टनरशिप डीड में कही जाएंगी। और वही सब जो है वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि कैपिटल पार्टनर, देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ठीक है। अच्छा, मैं छोटी सी बात और भी बता सकता हूं, इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, पार्टनर का एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर भी डाला जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, फोन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें पार्टनर्स की डाली जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पार्टनरों ने कितने पैसे लगाए हैं, उनका उन्होंने प्रॉफिट किस हिसाब से बांटने का तय किया है, सैलरी किसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मालिक पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा है, ठीक है, तो मालिक जो बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो उस पैसे का उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब बातें भी लिखी होंगी। ड्रॉइंग क्या होता है जानती हो सभी, मालिक जो बिजनेस से पैसे लेके चला गया और अपने घर के काम में यूज कर रहा है उसको, तो उस ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी बातें। और इंटरेस्ट और लोन ये क्या होता है, ये इस पे हम समझते हैं, ठीक है, इस पर क्या समझते हैं, देखो जी सुनो, इंटरेस्ट और लोन के बारे में एक बार कंसिडर करते हैं। देखो ये बिजनेस है, यहां एक पार्टनर है, चलो एक और पार्टनर डालो, हाँ जी, बिजनेस जाता है, बिजनेस जाता है, मान लो किसी बैंक में जाता है, मालिकों ने बिजनेस में 2-2 लाख रुपए लगा रखे,
अब अचानक से बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ गई और इसको 1 लाख और कम पड़ रहा है, 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई। अब ये बैंक में जाता है लोन मांगने, बैंक वाला लोन देने में बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, काफी सिक्योरिटी मांग रहा है गिरवी रखने के लिए कुछ भी, और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में एक पार्टनर ये कहता है कि देखो भाई मेरे 2 लाख तो लगे ही हैं, अब तुम्हें 1 लाख और चाहिए अलग से, तो एक काम करो जो कर्जा बैंक से लेने जा रहे हो ना वो कर्जा मैं ही दे देता हूँ, ये लो मेरे से ले लो 1 लाख, और तुम बैंक को जो इंटरेस्ट दोगे ना, बैंक को जो तुम इंटरेस्ट दोगे इंटरेस्ट वैसा ही इंटरेस्ट मेरे को दे देना। तो सर तो वो 3 लाख इकट्ठा ही कैपिटल बोलकर क्यों नहीं दे दिया? देखो बच्चों, अगर पार्टनर लोन बोलकर पैसा देता है और कैपिटल बोलकर पैसा देता है तो दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा, फर्क समझो फर्क। कैपिटल में तो ये रूल है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो मालिक को प्रॉफिट बदले में वापस मिलेगा यहां से, और अगर कहीं लॉस हुआ तो याद रखना लॉस में मालिक को कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि जेब से और अपने खुद के लगाए पैसे भी कट जाएंगे, समझ गए? बट लोन के साथ ऐसा नहीं होगा। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको पक्का मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले को भी तो ब्याज चाहे कमाई होती चाहे ना होती देते ना, तो भैया मुझे भी ब्याज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? ये ब्याज का कोई झंझट नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है, मैं तो ये पूरे पैसे लूंगा ही लूंगा, ठीक है ब्याज वाले। और दूसरी बात, मेरा लोन का पैसा भी सेफ है, ये डूबेगा नहीं, समझ में आ गया? लोन का पैसा डूबेगा नहीं, कल को बिजनेस जब बंद किया जाएगा तो मेरे लोन का पैसा मेरे को पहले अलग से दिया जाएगा, और उसके बाद अगर बिजनेस में पैसा बचेगा तो मेरी कैपिटल का पैसा वापस आएगा, और नहीं बचा तो कैपिटल डूब भी सकता है, समझ में आ गया? बात समझे? इसका मतलब क्या है कि बिजनेस कल को बंद हुआ तब भी मेरे लोन का पैसा तो गारंटी से वापस आ ही जाएगा, ठीक है, या उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और ब्याज भी टाइम टाइम मिलता रहेगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कमाई हो चाहे ना हो बिजनेस में कुछ भी चलता हो, ठीक है? लेकिन कैपिटल में ऐसा नहीं है, कमाई होगी तो मिलेगा, लॉस होगी तो डूब जाएगा अपना पैसा लगाया हुआ भी, ठीक है, समझ आ गया होगा? तो मालिक लोन का पैसा अलग से दे सकता है बिजनेस को, समझो बिजनेस कहीं और से लोन ना लेके मालिक से ले लिया, समझ में आ गया? तो लोन के साथ अलग अलग वो बातें हैं, लॉस होने पर भी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो ये सारी बातें, ठीक है? तो अब सुनो, अब मैं बताता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन किसी पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस हिसाब से सारा चीज, ठीक है? और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारे बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू, यानी हमारा बिजनेस कितना पॉपुलर है उसको पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है? और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसका भी मेथड इसके अंदर हम डीड में लिख सकते हैं। अभी डीड के अंदर और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें, जैसे पार्टनर के का एडमिशन कैसे करा जाएगा, रिटायरमेंट की क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है, बिजनेस बंद करते वक्त कैसे क्या क्या हिसाब किया जाएगा, कौन कौन कैसे कैसे करेगा, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका हिसाब कैसे किया जाएगा, तो ये सब चीजें भी लिखी जा सकती है, पर फिलहाल हमें इतना याद रखना है, ये हमारे थ्योरी के लिए काफी है। अब और सुनो, ठीक है, अब मैं ये बताता हूं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब पार्टनर आपस में मिलकर शुरुआत में ही तय कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अब एक और बात, मान लो आप मेरे पार्टनर हो, ठीक है, आप मेरे पार्टनर हो और हमने ना शुरू शुरू में प्रॉफिट कुछ तय कर लिया, कैसे बांटना है तय कर लिया, और सैलरी भी तय कर लिया,
इंटरेस्ट भी तय कर लिया, सॉरी कमीशन तय कर लिया, और इंटरेस्ट मान लो हमने तय नहीं किया, तो सवाल ये रूल होता है, ये सवाल ये उठता है कि क्या रूल होगा वो सुनो। मान लो एक बंदे ने पैसा लगाया, दूसरे ने पैसा लगाया, एक ने 10 लाख लगाया, दूसरे ने 3 लाख लगाया, तो एक मालिक कहता है कि क्योंकि मेरा ज्यादा पैसा लगा है तो मेरे को अपने पैसों पे इंटरेस्ट चाहिए, तो रूल क्या होता है, रूल सुनो, पार्टनरशिप डीड में क्या पहले तय किया था कि इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा, और अगर तुमने डीड में कोई बात तय नहीं किया था, भूल गए थे किसी कारण से, या याद नहीं रहा, या जानबूझकर नहीं तय किया, तो भैया ये सुनो, जो चीजें पार्टनरशिप डीड में तय नहीं की गई है और उस उन बातों को लेके बाद में झगड़ा होता है, शुरू में तय किया नहीं और बाद में कह रहे हो मैंने इतने पैसे लगाए हैं ज्यादा, तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए अलग से, तो भैया अब झगड़े का एक ही समाधान है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, इस झगड़े का कोई भी झगड़ा होता है किसी बात को लेके तो कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट तुमको झगड़े का फैसला इस कानून में लिखे गए बातों के हिसाब से करेगा, ठीक है, इन कानून में लिखे गए बातों के हिसाब से करेगा। तो ये कानून क्या कहता है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। तो अब मैं अगर छोटी सी बात ये समझाऊं कि इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं तय किया कुछ, भूल गए तय करना, या उसमें उसमें कुछ न बताया गया हो, ठीक है, तो कौन कौन से नियम फिर लागू होंगे, वो नियम ये लेंगे कि प्रॉफिट मालिकों को बटेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस मालिकों को 50-50 या फिर इक्वल इक्वली बटेगा, सीधा बोलता हूं, ठीक है, इक्वल शेयर मिलेगा सबको, जैसे जैसे दो लोग हैं तो एक को 50%, एक को 50%, ठीक है, समझ गए, और अगर चार लोग हैं मान लो, या तीन लोग हैं तो 33% ठीक है, या चार लोग हैं ए बी सी डी तो 25% 25% 25% और 25% ऐसे, मतलब सबको इक्वल मिलेगा। अगर तुमने शुरू में देखो, फिर से सुनो बात को, पार्टनरशिप डीड में अगर साइलेंट है तो देन, एक बात और लिख दूं, देन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, और वो क्या कहता है, वो ये सब बातें कहता है, पहली बात प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, अगर डीड में कुछ नहीं ट्राई किया तो इस कानून के अनुसार आपको फैसला दिया जाएगा और 50-50 शेयर मिलेगा, ठीक है, दूसरी बात 50-50 शेयर, एक और बात समझा दूं, 50-50 शेयर को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1:1, 1:1, अच्छा 50%, चलो 50% को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक बात समझो, 50% को मैं ऐसे कह सकता हूं, ये सुनो, ये 1:1 कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो एक बार मैं समझा दूं, 50% क्या 50/100 होगा, और दूसरे को कितना मिलेगा, 50/100, ये उनका रेशियो हो गया आपस में, और अगर मैं बात करूं तो ये आपस में काटे तो 1/2 हो गया, और 1/2 मतलब ये हो गया 1/2 1/2, आधा आधा दोनों को मिलेगा, एक को आधा, ठीक है, और ऐसे ही दोनों है तो आधा आधा, और 3% है तो 1/3 1/3 1/3, ठीक है, ऐसे। और सोचो अगर मैं इसमें इसको और सही करके लिखूं, तो इस रेशियो में
इन दो इसे और काट दो, दोनों में से भाई किसी भी नंबर को, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो अगर ये आपस में नंबर डिवाइड में है तो कुछ भी इसमें से जो कटे काट सकते हैं, तो ये 1:1 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है या नहीं? चलो, और ऐसे ये 1:1 हो गया, ये तीन जनों का रेशो हो गया, चार जनों का ऐसे 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशो क्या होगा बच्चों, इक्वल। ये समझ लिया। इसके बाद ये क्या कहता है वो समझो। नो, नहीं मिलेगा। कौन कहता है ऐसा? पार्टनरशिप का एक्ट ऐसा कहता है। अगर डीड में तुमने तय नहीं किया, पार्टनरशिप डीड में तय नहीं किया, तो फिर नहीं मिलेगा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं मिलेगा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लगेगा कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नहीं लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन टू एनी पार्टनर, मतलब क्या भाई? अगर आपको सैलरी लेनी है तो पहले से तय करोगे ना दोनों जने मिल करके, और नहीं तय करोगे तो नहीं मिलेगी। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा अलग से। ठीक है, तय करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर किसी पार्टनर ने बच्चों, ये जो समझा रहा था कि पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे दिया, जरूर जल्दबाजी में बिजनेस को लोन दे दिया, लेकिन पार्टनर ये तय करना भूल गया कि लोन पर ब्याज क्या होगा, तो अगर ब्याज का रेट तय नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी तरीके से उसको 6% पर एनम, मतलब एक साल का 6%, समझ गए, उसको मिलेगा ही मिलेगा एक साल का 6% के हिसाब से, और ये पक्का मिलेगा 6%। तो कुछ बच्चे ना भूल जाते हैं, वो लोग ना इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6 याद कर लेते हैं, गलत है वो। ठीक है, लोन का रेट 6 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ लिया हमने। आज अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस किया है, अब हमारा जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आएगा। अब बच्चों, ये आपके जो एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20, आपको पता ही होगा, या फिर जो भी छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, उन सब में ये सब थ्योरी आती है। ठीक है, तो हाँ, आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो ये सारा समझने वाला है, और कुछ कुछ जो वैल्यूज है वो वैल्यूज बस याद रखना है, और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं छोटी सी चीज आज इतना बता करके, डेफिनेशन समझा करके और डीड के बारे में, अब मैं आज की क्लास को क्लोज करता हूँ। अभी आपको बुक से कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी जो बताया बस इतने को रिवाइज कर लेना। ठीक है, कुछ भी बुक से नहीं पढ़ना। ठीक है, जब तक मैं खुद से कोई सवाल का होमवर्क ना बताऊं तब तक आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो थैंक यू बच्चों आप सबका। ठीक है, और ओके।